नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी में, मेरे कुंभ राशि के दोस्तों। और मैं लेके आया हूँ अप्रैल महीने का राशिफल और क्या है ग्रहों की चाल आप सबके लिए। तो सबसे पहले बता दूं कि आपके राशि लॉर्ड, यानी कि आपके लग्न और राशि लॉर्ड नाम, जो भी जिस तरह से भी आप क्यूरियन हैं, आप कुंभ राशि जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ सक्सेस में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ हैं। ये अपने आप एक बहुत सुकून भरी बात है, लेकिन क्या इतने से बात बन जाएगी? कई बार हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत फील करते हैं कि सब कुछ ठीक है। मैं कह दूं कि चंद्रमा जो इस समय है महीने की शुरुआत में ही, वो 6th हाउस के लॉर्ड होके 8th हाउस में होंगे और साथ ही साथ 6th हाउस में राहु की स्थिति। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जाने अनजाने आपको टेनेंट, आपको आपका ऑनर, आपको आपका एम्प्लॉई, आपको आपका बॉस, किसी ना किसी ओर से कुछ मुसीबतें आ सकती हैं। तो इसलिए सब कुछ जो ही छोड़ देना, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत सारा ध्यान देना। अब बात आ जाती है आगे चलने की। तो राशिपति का अच्छी स्थिति में होना अच्छी सेहत को दर्शा रहा है, लेकिन मानसिक स्थिति चंद्रमा से जुड़ी रहती है, तो चंद्रमा का कमजोर होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें उलझने जो है आपके इर्द गिर्द बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आप इस स्थिति का, इस शनि की पोजीशन का पूरा लाभ जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर सही तरीके से आप प्लानिंग करके पहले से चलें तो निश्चित तौर पे इस स्थिति का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। अब मैं बात करूं आपके धन की, तो आपके धन स्थान का कारक या मालिक जो है जुपिटर, वो उसमें सूर्य और बुध की स्थिति है जो अपने आप में बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ धनेश यानी कि धन के कारक, वेल्थ के कारक जुपिटर आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वेल्थ और धन से जुड़ी ही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और वेल बैलेंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि चंद्रमा एक बार फिर से, क्योंकि अष्टम भाव से 6th के लॉर्ड होकर अष्टम भाव से 2nd हाउस को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह निश्चित तौर पे आपको किसी बड़े खर्चे में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा आपका बैलेंस जो है वो आपके हाथों से निकल सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अच्छी जगह कर रहे हैं, आपने अच्छी तरह से उसका नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया है, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर फिर आप आगे बढ़ें, अन्यथा पैसे खर्चते समय आपको सावधान रहना होगा। ये बहुत जरूरी बात है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि वेल्थ के इंक्रीज होने के योग भी बने हुए हैं, कारण के शनि और जुपिटर दोनों का ही, धनेश और राशिपति का एक अच्छा संबंध है, वहीं वैश भी आपके लाभ में आ गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वो आपके लिए लाभ लेके आएगी, या ऑलरेडी आपकी की हुई इन्वेस्ट आपको लाभ दे सकती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो सकती है, किसी ऐसे साधन से आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अपने शेयर जो है वो उनको सेल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे जो आपके वेल्थ को बढ़ा सकता है, तो ये एक अच्छी सुकून भरी बात है। वहीं रिश्तों में सावधान रहें, अननेसेसरी कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कोई पुरानी बात जो है आपको परेशान कर सकती है। कई बार आप हंसी मजाक में कुछ कह देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि बाल की खाल उधेड़ना, तो वो लोग आपको छोड़ने वाले हैं। अब उनको शायद लगता है कि अभी मौका है, तो इस महीने में वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। बस आपने सहजता के साथ, ठंडे दिमाग के साथ या तो उस बात को जाने देना है, या फिर उसका एक अच्छा सा जवाब जो है बिना अग्रेसिव हुए, बिना क्रिटिसाइज किए आपने देके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना जी, आपके लिए एक अच्छी पॉलिसी जो है इस समय में बनी रहेगी। वहीं आपके पराक्रम की बात करूं, वीनस आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये एक कम्बिनेशन ऐसा है, जैसे मैंने पिछले एक लॉटरी की बात की कि 3rd और 11th हाउस का अगर किसी तरह से भी संबंध बन जाए तो वो अपने आप एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। जहाँ 3rd का संबंध 11th से बन चुका है, ये एक अच्छी बात है। वहीं साथ ही साथ 11th जो है, 11th का जो कारक है वो जुपिटर, वो 7th में, और जुपिटर खुद 9th हाउस से 3rd हाउस को एस्पेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा संबंध बन गया है कि यहाँ पे लॉटरी आदि जीतने का, या आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाए, ऐसा संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ है। आपका कोई ऑफिशियल काम रुका हुआ है, आप किसी अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको अप्रूवल मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन पहले से बेहतर हो जाएगा, आप अप्रोच कर रहे हैं किसी से मिलने की, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पे ये महीना इन सब चीज़ों को मेक श्योर कर रहा है कि हाँ, आपकी ये सारी बातें जो है वो बनेंगी, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपका बेहतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपके सुख स्थान की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो सकती है, उसके माध्यम से आपको पैसा आ सकता है। कोई आपकी गाड़ियाँ आप चाहते नहीं लेनी, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरी जो ऑनगोइंग ऑलरेडी जो गाड़ी है उसके अच्छे दाम मिल जाए, जी हाँ,
ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति जहाँ पे घर गाड़ी उसकी रेनोवेशन एक्सटेंशन अगर आप करना चाहते हैं, आप नया लेना चाहते हैं, जो भी स्थितियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी स्थिति जो है एकदम बेहतरीन बनी हुई है। और वहीं माता माता के साथ अच्छे संबंधों की स्थिति है, क्योंकि फोर्थ हाउस माँ से बहुत गहरा संबंध रखता है। वहीं वीनस दिखा रहे हैं कि माता माता से लाभ और माता की यात्राओं की सिलसिला बन सकता है। इस समय के दौरान माँ से झगड़ा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपने आप को अपने बनते कामों को रोक देना। मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि उपाय के रूप में इस समय माँ की ब्लेसिंग लेकर सारे काम करना आपकी सफलता के लिए सारे दरवाजे खोल देगा, उसमें आपको लाभ होगा। अगर मैं पंचम भाव की बात करूँ तो ये है आपके संतान से जुड़ा हुआ भाव। तो संतान, सबसे पहले हम संतान की बात करें तो मरकरी, मरकरी सेकेंड हाउस में है और ये अपने आप में कुटुंब से जुड़ा हुआ, तो संतान प्राप्ति के योग हैं। जो लोग संतान, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है संतान, जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनको सफलता मिल सकती है। आपको पता चले अचानक नहीं हुए कि आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, आपने कंसीव कर लिया, तो ये एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है। वहीं लोग जो एजुकेशन में, मैं कहूँगा कि जी हाँ, आप को और थोड़ा प्रयास करें तो आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा प्रयास और अधिक करना होगा। कुल मिला के संतान और एजुकेशन जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो समस्याएं ना होके अब समस्याओं के समाधान की ओर आपको आगे लेके जा रही है, जो कि एक अच्छी स्थिति की अच्छी पोजीशन जो है आप लोगों की बनाए हुए। वहीं आपके सिक्स हाउस की बात मैं करूं तो वहां पे है राहु और सिक्स हाउस का लॉर्ड एट भाव, ऐसे मैं कहूंगा कि सिक्स हाउस इसमें कमजोर है। आनंद फान में कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके सामने, पुरानी बातों की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कुछ झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, हर एक चीज़ को आप पहले से एक फाइल करके तैयार रखें ताकि आप एक अच्छा जवाब दे सकें। समय में किसी तरह के लीगल इश्यूज में, लिटिगेशन में आप नहीं उलझें, वो ही आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा मुश्किल पैदा आपके लिए हो सकती है। कंपटीशन में असफलता के योग है, या ये कहें कि सामने वाला इंसान जो है आपसे बेहतर कर सकता है, तो आपको बहुत सारे प्रयास इस मामले में करने होंगे तभी बात बनेगी। अगर मैं शादीशुदा जिंदगी की बात करूं तो सेवंथ हाउस की स्थिति अगर मैं देखूं तो सूर्य इसके कारक है, सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं आपके लिए, तो शादी के लिए एक अच्छा समय है, शादी अटेंड करने के लिए अच्छा समय है, पार्टनर के साथ समय स्पेंड करने के लिए एक अच्छा समय है और किसी नए रिश्ते को शुरू करने का एक अच्छा समय है। कुल मिला के आपके गृहस्थ जीवन में कुछ अच्छी स्थितियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं, इनका आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं और इसको आप इंजॉय करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अष्टम भाव चंद्रमा जो है वो सूर्य और बुध को आस्पेक्ट करें, तो ध्यान रखिएगा कि इमोशनल चीज़ें जो हैं वो आपको हर्ट कर सकती हैं। अपने इमोशंस के ऊपर, अपने सेंटिमेंट्स के ऊपर काबू रखकर ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो ये चंद्रमा निश्चित तौर पे आपको इस महीने में परेशान कर सकता है। जैसे मैंने बिगनिंग में ही आपकी कुंडली में बताया है कि राहु और चंद्र छठे अष्टम भाव का ये योग कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारक बन सकता है। भाग्य स्थान में जुपिटर का होना, धनेश का होना अपने आप में भाग्य धन को बढ़ाने वाला, धन के लाभ देने वाला है और कुछ लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनसे वो आपसे शायद सीधे होकर पैसे मांगने की कोशिश करें। आपको अब ये देखना है, डिसाइड करना है कि आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। इमोशनल होकर अगर आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो उसमें फिर बाद में सफलता होगी। पिता का साथ, वालिद का साथ आपके ऊपर बना रहेगा। धर्म स्थान में आते जाते रहने से अगर आप पिता से दूर रहते हैं, पिता या दुनिया में नहीं है, तो निश्चित तौर पर धर्म स्थान में आते जाते रहने से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। और एक ब्लेसिंग जो है परमपिता परमेश्वर की, एक पिता है और एक परमपिता है, तो परमपिता परमेश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा जो है वो बनी रहेगी। अगर मैं आपके 10th हाउस की बात करूं, हाउस ऑफ प्रोफेशन, तो निश्चित तौर पे मंगल इसके कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, ये अपने आप एक अच्छी बात है। और वहीं ये मंगल जो है द्वादेश शनि के साथ बैठा हुआ है कर्म स्थान से, तो ऐसा लगता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यात्राओं से जुड़े कामों से प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है उसमें प्रोग्रेस लेके आया है और उसमें आपको लाभ की स्थिति में ले आया है। और वैसे ही मैंने कहा कि लॉटरी के योग भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ जो है प्रोफेशनली लॉटरी भी लग सकती है। कैसे, कई बार होता ना कि पैसे तो नहीं मिले लेकिन हाँ एक अच्छी पोजीशन आपको मिल गई, आप जिसके लिए डोल रहे थे, आप जिसको चाहते थे कि मुझे मिल जाए और आपको लगता था आप तो उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन अचानक से आपकी लॉटरी लगी और आपको वो मौका मिल गया। तो लॉटरी भी कई प्रकार की होती है और जहाँ पे मंगल सक्षम है आपको करियर वाइज जो है एक बूस्ट करने के लिए, एक नई मंजिल की ओर, एक नई पोजीशन की ओर ले जाने के लिए, तो उसका पूरा लाभ आपको लेना। और लाभेश मंगल शनि, यानी कि लाभेश तो नहीं है लेकिन लाभ स्थान में बैठे हुए मंगल और शनि निश्चित तौर पे बहुत ही शुभ योग में बैठे हुए हैं, तो ये जो महीना है आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है। वहीं द्वादेश जो है
यानी कि बारहवां घर जो खर्चों का घर होता है, वो भी खर्चे जो है आपके लाभ के लिए हो सकते हैं, जिनसे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपको प्रॉफिट देके जाए। कई बार होता है ना, आपने कोई चीज खरीदी और तुरंत आपको पता चला कि अरे भाई इसके तो प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप क्या करते हैं कि इसको बेच दो और आप उसमें प्रॉफिट बना लेते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे शेयर मार्केट में हम पैसे लगाते हैं तो उसमें लाभ मिल जाता है। तो ऐसी ही स्थितियां कहीं ना कहीं आपकी इस महीने में बनी हुई। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि कुंभ राशि वालों को जो आजू बाजू की चंद्र राहु की जो स्थितियां उसको देख सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कुल मिला के ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन महीना साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ उपाय के रूप में कहूंगा कि धर्म स्थान में आते जाते रहना और सफेद चीजों का दान करना आपके इस महीने को और भी अच्छा बना देगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने की राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।